गुड मॉर्निंग विवेक सर, मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमने फर्स्ट पढ़ लिया था, कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। देन सेकंड तुम्हारे पास क्या है, कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। कंपेरेटिव में दो इनकम स्टेटमेंट पढ़े, दो स्टेटमेंट का कंपेरेटिव किया था अपन ने, एक तो इनकम स्टेटमेंट और एक बैलेंस शीट। यहाँ पर भी दोनों ही स्टेटमेंट होते हैं, एक तो इनकम स्टेटमेंट और एक बैलेंस शीट, इन दोनों के बीच में कॉमन क्या है वो पता लगाना है। यहाँ पर कॉमन साइज है, वहां पर हमने क्या कंपेयर किए थे दो ईयर को, यहाँ पर दोनों ईयर में कॉमन निकाला है कितना कॉमनली चेंज हुआ है। ठीक है, यहाँ पर तुम्हारा एब्सोल्यूट चेंज नहीं निकलेगा और यहाँ पर ओनली निकलेगा परसेंटेज ऑफ चेंज, कितना परसेंटेज चेंज आया है। इसमें क्या होगा कि हमें कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट या कॉमन साइज बैलेंस शीट में एक बेस मानते हुए किसी भी अमाउंट को कह सकते हैं, किसी भी पर्टिकुलर टोटल को कह सकते हैं, बेस मानते हुए क्या निकालना है तुम्हें, टोटल परसेंटेज निकालना है कितना परसेंट उसके बेस पर चेंज हुआ है। ठीक है, फर्स्ट बात करते हैं कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। फॉर्मेट होता है पर्टिकुलर ईयर्स, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, परसेंटेज ऑफ चेंज प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर। ओके, वही फॉर्मेट है जो अपन ने कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट पढ़ा था और यही फॉर्मेट तुम्हारे इसमें भी आएगा। ठीक है, फॉर्मेट ये रहेगा, सेल्स सेल्स में से सेल्स रिटर्न लेस करेंगे टोटल तुम्हारी आएगी नेट सेल्स, नेट सेल्स में से सीओजीएस यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस करेंगे क्या आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो कौन कौन से होते हैं, फैक्ट्री हो सकता है, ऑफिस हो सकता है और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इन तीनों एक्सपेंसेस को लेस करने के बाद क्या आएगा तुम्हारे पास, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में अदर इनकम एड होती है एंड अदर एक्सपेंसेस लेस होते हैं तो क्या आता है तुम्हारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। देन अगर मैं टैक्स इस प्रॉफिट में से लेस कर देता हूँ तो क्या बचता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये तुम्हारा क्या हो गया, फॉर्मेट हो गया इनकम स्टेटमेंट का, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। अब बनाते हैं नेक्स्ट, हमें क्या करना है, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर की जो इनकम स्टेटमेंट होगी उसके अमाउंट को यहाँ पुट करना है। प्रीवियस ईयर की अमाउंट इस कॉलम में पुट होगी, करंट ईयर की अमाउंट इस कॉलम में पुट होगी। अब तुम्हें क्या करना है, नेट सेल्स जो तुम्हारी ये रही, नेट सेल्स को बेस मानते हुए तुम्हें क्या निकालना है, प्रीवियस ईयर के अगर परसेंटेज निकाल रहे हो तो प्रीवियस ईयर की नेट सेल को बेस मानना है, और अगर तुम करंट ईयर के परसेंटेज निकाल रहे हो तो करंट ईयर की नेट सेल्स को बेस ईयर मानते हुए, बेस मानते हुए क्या निकालना है तुम्हें, परसेंटेज ऑफ चेंज निकालना है। जैसे मुझे सेल्स का परसेंटेज ऑफ चेंज निकालना है तो मैं क्या करूंगा, वो भी प्रीवियस ईयर की सेल्स का परसेंटेज ऑफ चेंज निकालना है। तो प्रीवियस ईयर की सेल्स अपॉन प्रीवियस ईयर की नेट सेल्स इनटू 100, जो भी चेंज होगा वही परसेंटेज होगा वो क्या लिखूंगा, प्रीवियस ईयर के परसेंटेज ऑफ चेंज में लिखूंगा। ठीक है, अगला ही तुम्हें अगर करंट ईयर की फैक्ट्री कॉस्ट का परसेंटेज निकालना है तो क्या लिखोगे, फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ करंट ईयर अपॉन नेट सेल्स ऑफ करंट ईयर इनटू 100। तो इसी तुम्हारे पास क्या जाएगा, फैक्ट्री कॉस्ट की करंट ईयर का परसेंटेज है, कितना परसेंटेज चेंज हुआ नेट सेल पर, कितना परसेंट इफेक्ट हुआ। ये तुम्हारी क्या हो गई, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। ऐसे ही तुम्हें बनानी है कॉमन साइज बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के लिए फॉर्मेट क्या रहेगा, पर्टिकुलर ईयर, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, परसेंटेज ऑफ चेंज प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर। वहां पर किसको माना था, इनकम स्टेटमेंट हमने नेट सेल को बेस माना था। यहां पर अगर तुम एसेट्स के परसेंटेज निकाल रहे हो तो तुम्हें टोटल टोटल जो एसेट्स है उसको क्या मानना है, बेस ईयर मानना है, बेस मानना है। और अगर तुम लायबिलिटीज की परसेंटेज निकाल रहे हो तो तुम्हें किसको बेस मानना है, टोटल लायबिलिटीज को बेस मानना है। जैसे सपोज मुझे प्रीवियस ईयर की टोटल फिक्स एसेट्स का परसेंटेज ऑफ चेंज निकालना है तो प्रीवियस ईयर की फिक्स एसेट्स अपॉन प्रीवियस ईयर की टोटल ऑफ एसेट्स, समझ में आया, प्रीवियस ईयर की फिक्स एसेट्स अपॉन प्रीवियस ईयर की टोटल ऑफ एसेट्स इनटू 100। तो तुम्हारे पास क्या जाएगी, प्रीवियस ईयर की परसेंटेज ऑफ चेंज ऑफ फिक्स एसेट आ जाएगा, प्रीवियस ईयर में परसेंटेज ऑफ चेंज ऑफ फिक्स एसेट में कितना हुआ। जैसे अगर तुम्हें शेयर्स करंट ईयर की शेयर्स का परसेंटेज ऑफ चेंज निकालना है तो तुम क्या करोगे, शेयर वैल्यू ऑफ करंट ईयर अपॉन टोटल वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, टोटल ऑफ लायबिलिटी करंट ईयर इनटू 100, तो तुम्हारा कहां आ जाएगा परसेंटेज ऑफ चेंज, यहां पर। ध्यान रखना हमेशा परसेंटेज ऑफ चेंज टोटल एसेट्स करंट ईयर हो या फिर प्रीवियस ईयर हो, दोनों में कितना रहेगा 100%,
क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, परसेंटेज किसके बिना पे निकाल रहे हैं, टोटल के बिना पे निकाल रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पर सपोज मेरे पास में 2,50,000 की टोटल होती है और यहाँ पर मेरे पास 3,00,000 की टोटल होती है, अगर मुझे कर प्रीवियस ईयर की टोटल एसेट्स का परसेंटेज निकालना है, तो मैं करूंगा 2,50,000 अपॉन 2,50,000। अगर इसका परसेंटेज निकालना है किसके बिहाफ पे निकालूंगा, इसी के बिहाफ पे निकलेगा, क्योंकि मैंने कहा था फिक्स एसेट्स का अगर मुझे परसेंटेज निकालना है तो यहाँ पर सपोज फिक्स एसेट कितनी हो 25,000 है, तो 25,000 अपॉन 2,50,000 इनटू 100, राइट है। तो ऐसे ही तुम्हें यहाँ पर भी करना है कि भाई अगर मुझे टोटल एसेट्स प्रीवियस ईयर की टोटल एसेट्स का परसेंटेज निकालना है तो किसने करूंगा 2,50,000 अपॉन 2,50,000 इनटू 100, तो कितना जाएगा 100%। ओके, आगे चलते हैं। ये तुम्हारी क्या हुई बैलेंस शीट हो गई, ये क्या हुआ तुम्हारा इनकम स्टेटमेंट। हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इसके इनकम स्टेटमेंट को कैसे सॉल्व किया जाता है और कैसे क्या मदद करती है इसकी, कितना आंसर आ सकता है, कैसे किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर दो ही होते हैं, एक होता है तुम्हारा कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट और एक होता है कॉमन साइज बैलेंस शीट। कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट का ये फॉर्मेट है, पूरा का पूरा देख लीजिए। कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट में जो फॉर्मेट था वही तुम्हारा इसमें भी फॉर्मेट रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। वहां पर ओनली तुम्हारा क्या निकालते हैं एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज ऑफ चेंज निकाल लेते हैं, बट यहाँ पर क्या हो रहा है दोनों ही ईयर का परसेंटेज ऑफ चेंज निकाल रहे हैं कि कितना परसेंट ऑफ चेंज हुआ। यहाँ पर तुम्हें नेट सेल को बेस मानते हुए, यानी कि अगर मुझे सेल्स का परसेंटेज ऑफ चेंज निकालना है तो मैं कैसे लिखूंगा, सेल्स का परसेंटेज ऑफ चेंज निकालना है तो प्रीवियस ईयर सेल्स अपॉन प्रीवियस ईयर नेट सेल्स इनटू 100। तो इससे मेरा क्या जाएगा सेल्स का परसेंटेज आ जाएगा, वो कहां लिखूंगा प्रीवियस ईयर के। अगर मुझे यही करंट ईयर का निकालना है तो करंट ईयर सेल्स अपॉन करंट ईयर नेट सेल्स इनटू 100। ओके, ये तुम्हारा क्या हो गया इनकम कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट एंड कॉमन साइज बैलेंस शीट, जो तुम्हारी क्या हो गई कंपेयर कंप्लीट हो गई। क्वेश्चन वही रहेगा जो तुम्हारा कंपैरेटिव में रहता है, क्वेश्चन उसी फॉर्म में आएगा, तुम्हारे पास सारी चीज दी होगी और तुम्हें खाली क्या निकालना है परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज कैसे